हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने प्रोमो देखा कल, क्या नाम है, हाँ, करणवीर को लेके, तो कुछ समझ आया नहीं आप लोगों को? समझ आया क्या कि क्या था? क्योंकि जब टास्क हुआ तो जो करणवीर थे वो किसी के भी साइड नहीं थे। और एक मिनट, टास्क होने से पहले जब ये डिसाइड हुआ कि तीन कंटेंडर जो हैं वो बनेंगे टाइम गॉड के हिस्सेदारी के लिए तीन लोग हैं, तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो चूम के साथ वो बैठ के बात कर रहे थे कि चूम ने समझाया उनको कि ये हमारी दोस्त हैं तो हम इसी को सपोर्ट करेंगे, शिल्पा को। तो वहाँ पे करणवीर कहते हुए दिखे कि ठीक है, मतलब कि उन्होंने मुझे चूज नहीं किया क्योंकि वहाँ पे विवियन था, बट यहाँ पे मैं शिल्पा को चूज तो कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई अपना दोस्त नहीं है, इन तीनों में से शिल्पा ही है, तो मैं यहाँ पे तो इनको सपोर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि जब टास्क स्टार्ट हुआ तो वो किसी के भी साइड नहीं थे, वो ऐसे लग रहा था कि टास्क खेल ही नहीं रहे, उन्होंने टास्क खेला ही नहीं, बस इधर उधर घूम रहे थे। तो जब पूरा टास्क, हालांकि जो श्रुतिका है वो भी इतना झगड़ा होने के बावजूद भी वो शिल्पा को सपोर्ट कर रही थी, शिल्पा को बचा रही थी, उनके बकेट में टी बैग डाल रही थी, तो मुझे समझ आया कि चलो लड़ाई झगड़े अपनी जगह है, लेकिन अगर दोस्त बोलते हैं तो कम से कम टास्क में उनको जिताने के लिए, उनके ऑपोजिट कोई और है तो उनको जिताने के लिए कर रही है। तो श्रुतिका का तो समझ आया, लेकिन करणवीर का समझ नहीं आया कि उन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया श्रुतिका जो है शिल्पा का। ठीक है, वो भी समझ आया, मतलब वो भी हमने मान लिया कि चलिए उनको लगा होगा कि इन्होंने मुझे बनाया नहीं टाइम को तो मैं ही भी इनको सपोर्ट नहीं करूँगा। ठीक है, बट उसके बाद कट्टू क्या हुआ कि जब टास्क ख़त्म हो गया तब जाके बोल रहे हैं कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे सपोर्ट करना चाहिए था शिल्पा को, मुझे अपने दोस्त के लिए खड़ा होना चाहिए था, मैं रियल लाइफ में भी ऐसा ही हूँ, मेरे ही वजह से मेरे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, एंड बहुत सारे ये काफ़ी इमोशनल हो गए और रोते हुए भी दिखे। और ये सारी बातें चुम से भी बोल रहे थे, जबकि चुम बोल रही थी कि मतलब कि तुम ट्रस्टवर्दी नहीं हो, तुम पे कैसे ट्रस्ट करें जबकि तुम अपने दोस्त को ही साथ नहीं दे रहे थे। तो वहाँ भी वो कहते हुए दिखे, हाँ मेरी गलती है, मुझे पता नहीं मैं इतना कंफ्यूज क्यों हूँ, पता नहीं मैं अपने दोस्तों के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले पाता हूँ, नहीं ले पाया, मुझे करना चाहिए था, मुझे टास्क में शिल्पा जी को सपोर्ट करना चाहिए था, पता नहीं मैं क्यों नहीं किया, मैं बाहर भी ऐसा ही हूँ, मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी ऐसा ही हूँ, इस मेरी वजह से ही मेरे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, मतलब कि सारा का सारा ब्लेम वो खुद पे ले रहे थे। तो उनको ठीक है, बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने गलत किया, बट एक स्टैंड पे तो खड़े रहो, वो रियलाइज हुआ आप, उससे पहले आप बोल के तो गए थे कि मैं उनको सपोर्ट करूंगा, लेकिन फिर क्यों नहीं आपने सपोर्ट किया? गलती तो आपकी है ना, और ये क्या बार बार गलती करके बाद में रियलाइज करने से क्या ही होता है, कुछ होता थोड़ी है, बदल थोड़ी ना जाता है आपका डिसीजन, आपने जो डिसीजन ले लिया वही रहने वाला है पूरी लाइफ के लिए। और पहले तो डिसीजन लेने में इतना कंफ्यूज थे कि करना है कि नहीं करना है, फिर एक डिसीजन पे आए कि करना है, उसमें भी नहीं किया, फिर नहीं किया तो वो भी ठीक है, बोल देते कि मैं शिल्पा को नहीं बनाना चाहता था, लेकिन नहीं, फिर बाद में रोने लगे जाके कि मेरी गलती है, मतलब कुछ समझ नहीं आया। हालांकि उनका रोना बहुत बुरा लग रहा था कि बेचारे रो रहे हैं, बट उनका खुद का ही स्टैंड सही नहीं है तो कोई और उनको क्या ही सपोर्ट करेगा। तो इस पर आपका क्या राय है, क्या ओपिनियन है, मेरे कमेंट में बताइए आपको इस, मतलब ये जो प्रोमो आया है इस पर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।